हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी घर में एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम सेफ होंगे, राइट? एंड आई विश कि आगे भी आप स्वस्थ और एकदम सेफ रहें और आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, सही है? सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना COVID-19 वायरस, जैसा कि पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है और कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कंट्री की ग्रोथ एकदम एक जगह पर रुक जैसी गई है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इस दौर में जो नुकसान हो रहा है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का और स्टूडेंट्स की पढ़ाई का, ऑफकोर्स बेहद लॉस हो रहा है। उसी लॉस को पूरा करने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई है, जो एक पहल की गई है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, PDF, ऑडियो एंड ऑनलाइन लेक्चर्स, इनके थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स को स्टडी कराने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो पूरा प्रयास कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी कुछ आपकी स्टडी में हेल्प भी मिल रही होगी और इन्हीं के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, ओके? और हालांकि टीवी और न्यूज़ एंड सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी कई बार ये बात सुन चुके हैं, बट आफ्टर मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप सभी अपना ख्याल रखें, कम से कम बाहर घर से निकलें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और अपने हाथ दो दो घंटे में धोते रहें हैंड वॉश से और सैनिटाइज़र का यूज़ प्रॉपरली करते रहें। इसके अलावा आप अपने भोजन में विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि विटामिन सी, ऐसा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का मानना है कि विटामिन सी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग करेगी कि आप केवल कोरोना ही नहीं बल्कि आप और भी अदर प्रकार के वायरस से फाइट कर सकते हैं, ठीक है? एनीवेज, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर में हमने देखा था कि ASP, जिसका यूज़ करते हैं हम सर्वर पेजेस क्रिएट करने के लिए, ASP प्रोग्रामिंग में, ASP सर्वर पेज में हमने यूज़ किया था इफ एल्स स्टेटमेंट का, राइट? HTML पेज से हमने कुछ पैरामीटर्स पास किए थे नेक्स्ट ASP पेज के लिए और वहाँ पर हमने इफ एल्स का यूज़ करके आइडेंटिफाई किया था कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। आइए इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर हम तीन नंबर पास करते हैं किसी भी सर्वर पेज में, तो उसमें से विच वन इज़ ग्रेटेस्ट, हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ओके? तो पहले इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक HTML पेज जिसमें हम तीन टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे। एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें तीन टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, उसमें तीन नंबर्स फीड करके हमें ASP पेज तक पैरामीटर पास करने हैं, ओके? देन लेट्स स्टार्ट द HTML पेज। सो ये है आपका HTML पेज, ठीक है? HTML पेज में यहाँ पर टाइटल में हमने लिख दिया नेस्टेड इफ HTML, देन यहाँ पर हमने हेडिंग H3, हेडिंग 3 टैग का यूज़ करके एक हेडिंग डाल दिया, एंटर 3 नंबर्स। देन यहाँ पर फॉर्म बनाया, फॉर्म को मेथड हमने दिया है गेट एक्शन इक्वल टू F3.ASP। एक्शन का यूज़ करके हम क्या यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एक्शन में हम उस पेज का, उस सर्वर पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज पर हमें इन सारे पैरामीटर्स को जो हम टेक्स्ट बॉक्स में देंगे, उन टेक्स्ट बॉक्स में दिए गए पैरामीटर्स को, वैल्यूज़ को जिस सर्वर पेज पर हमें भेजना है उस पेज का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? फॉर्म के एक्शन में, तो फॉर्म के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो सबमिट बटन पर क्लिक करते ही इस पेज पर पहुँच जाती है। फिर यहाँ पर हमने एंटर वैल्यू फॉर ए, ये एक कैप्शन दिया, उसके बाद उसके सामने हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, नाम दिया उसका T1। फिर एंटर वैल्यू फॉर बी, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, नाम T2। देन सी के लिए सामने T3 बना दिया, उसके बाद सबमिट बटन एंड रीसेट बटन, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा HTML फॉर्म, इसको हमने सेव किया।
इस पेज को, HTML पेज को हमने सेव किया f3.html नाम से। इसको सेव कहाँ करना है? हालांकि HTML पेज है, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं, बट अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो, इसलिए हम इसको सेव करते हैं www root, जो कि inetpub के अंदर है, inetpub C के अंदर है, जिसे कहा जाता है वेब सर्वर। इसके अंदर हम इस अपने f3.html पेज को सेव करते हैं, राइट। अब इसके बाद इसको अगर हमें ओपन करके देखना है कि ये प्रॉपर ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा दिखेगा, तो आप इसे देख सकते हैं किसी भी ब्राउज़र पर। क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट, देन लोकल होस्ट के अंदर किस नाम से है पेज? f3.html। सो दिस इज़ द HTML पेज, ओके। अब इसके बाद इस पेज को हमने कनेक्ट किया हुआ है f3.asp पेज से, तो अब हमें बनाना है इस HTML पेज के लिए सर्वर पेज, जिसका नाम क्या रखना है हमें? f3.asp, राइट। तो ये फिर से हम नोटपैड को ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर, और यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे अपना ASP पेज, राइट। तो ये हो गया हमारा ASP पेज, सर्वर पेज। यहाँ पर देखिए हमने टाइटल, हेड, ये सब डिफाइन किया। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने यहाँ से ASP सर्वर पेज स्टार्ट किया डेलिमीटर लगाकर। देन यहाँ पर तीन हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, ABC, तीन टेक्स्ट बॉक्स हैं, T1, T2, T3। तो T1 की वैल्यू कहाँ रिसीव किया हमने? A में। T2 को रिसीव करके वैल्यू कहाँ रखा? B में। T3 की वैल्यू रिसीव किया, C में रखा। तीनों में वैल्यू आ गई ABC। अब इसके बाद सेम विजुअल बेसिक की तरह यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ का यूज़ किया है, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पहली कंडीशन लगाई हमने, अगर ये ट्रू होगी तो ये अंदर आएगा। अंदर हमने चेक किया ए और सी को, अगर ये कंडीशन भी सही है तो ए इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज ग्रेटेस्ट। और ये जो काम हो रहा है इतना, ये तब होगा जब ये वाली कंडीशन सही होगी। थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये कंडीशन ही गलत अगर हो जाए तो ये कोई भी काम नहीं होगा। ये सीधा जंप करके कहाँ पहुँचेगा? एल्स में। और एल्स में आकर के क्या चेक करेगा? बी और सी को। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन गलत होने का क्या मतलब हुआ कि ए बी से छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास बचे कौन? बी और सी। तो हम बी और सी को चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन बी इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ये सही होती है तो बी ग्रेटेस्ट, और नहीं गलत है अगर तो सी इज़ ग्रेटेस्ट। क्लियर है? देन इसके बाद यहाँ इफ को हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद टेलीमीटर क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। क्लियर है? अब आइए इसको पहले तो सेव करेंगे हम। इसको सेव किस नाम से करना है? f3.asp, याद है, क्योंकि HTML पेज जो ये आपने बनाया था, इसमें जो फॉर्म के एक्शन में आपने नाम लिखा था वो क्या लिखा था? f3.asp। तो ये हमारा सर्वर पेज हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद आइए देखते हैं इसको रन करके। ये दिख रहा है हमारा HTML पेज, राइट। यहाँ पर हमने तीन वैल्यूज़ पास करी, ठीक है। अब देखिए जैसा कि इसमें दिख रहा है कि T1, T2, T3, सबसे बड़ा कौन है? B। क्लियर? यदि इस वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, नाउ A इज ग्रेटेस्ट, इसको चेंज करके देखें, नाउ C इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है? किस तरह से ये चेक कर रहा है ये समझ में आ रहा है? इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। ऑलराइट, तो ये तरीका होता है किसी भी ASP पेज में, सर्वर पेज में नेस्टेड इफ लगाने का। हालांकि ये नेस्टेड इफ लगाने का तरीका आप लोग विजुअल बेसिक में ऑलरेडी देख चुके हैं, कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर विजुअल बेसिक के इफ एल्स स्टेटमेंट नेस्टेड इफ में और ASP के नेस्टेड इफ में, ठीक है। नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट सेम है, यहाँ पर डिफरेंस होता है तो केवल यहाँ पर आपका वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका भी वही है, बस थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर हमें डाटा मेम्बर्स, डाटा टाइप्स नहीं बताने पड़ते हैं, और यहाँ पर फॉर्म के जो HTML फॉर्म से वैल्यू भेजी गई है उसको हम पहले रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट डॉट कैरी स्ट्रिंग लगा करके, फिर उसके बाद कंपोनेंट का नाम दे करके उस वैल्यू को हम वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं। क्लियर है? सो ये तरीका होता है नेस्टेड इफ को
सर्वर पेज में यूज़ करने का। आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर समझ में आ गया होगा नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट, सर्वर पेज में क्या होता है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार इसको आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे सिस्टम पर तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ऑनलाइन लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम देखेंगे सेलेक्ट केस। विजुअल बेसिक में आपने सेलेक्ट केस भी देखा है, मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट होता है, तो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ एएसपी यानी सर्वर पेज में हम किस तरह से करते हैं ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में। तब तक के लिए बी सेफ एंड प्लीज़ स्टे एट होम। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।